अगर आपने भी PPF जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आपको बता दें कि सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे छोटे निवेशकों को राहत मिली है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और टाइम डिपॉजिट स्कीम में काफी पैसा निवेश कर रहे हैं। बात करें PPF अकाउंट की तो इसको टाइम से पहले बंद करने से रिलेटेड रूल्स को बदला गया है। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक इन स्कीम को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023 कहा गया है। वही SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। फिलहाल ये ड्यूरेशन सिर्फ 1 महीने की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई व्यक्ति रिटायर होने की तारीख से 3 महीने के अंदर SCSS खाता खोल सकता है। साथ ही मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर है स्मॉल सेविंग स्कीम, जिसमें कई स्कीम्स पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट हासिल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत योजना में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन योजना में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल भी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इन स्कीम में निवेश पिछले साल के मुकाबले 2.6 गुना बढ़कर 74,675 करोड़ के करीब पहुँच गया है। सरकार ने इन योजना में सालाना निवेश की सीमा 30 लाख रुपए कर दी है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ये बताइए कि आपने इनमें से किस योजना में निवेश किया है या फिर किस योजना में निवेश करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।